इलेक्शन रिसर्च टीम ने आपके लिए एक नया बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा निकाला है जो आपको देखना चाहिए और आपको समझ में आएगा कि ये एमसीडी का इलेक्शन कैसे कई मायनों में बड़ा खास रहा है। ये देखिए आप, हम यहां पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जो कि बीजेपी के पास है, इन 7 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके लिए लेकर आए हैं। और सुरभि, अगर केवल सबसे पहले रमेश विधूड़ी की बात करें जिनका कुल वार्ड जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 37 आते हैं, तो इनका प्रदर्शन खराब रहा है। आम आदमी पार्टी यहां से 23 जीत रही है, बीजेपी 13, कांग्रेस 1 और अदर्स पर 0। हालांकि यहाँ पर अब अगले वार्ड पर भी देखें तो देखिए प्रवेश वर्मा काफी मुखर रहे हैं और जिस तरीके के बयान इन्होंने दिए हैं जनता को, वो साथ अभी भी नहीं ला पाए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए पश्चिम दिल्ली की जहां तक बात कर रहे हैं, जहां कुल वार्ड 38 आते हैं, बीजेपी यहां पर 14 तक सिमट कर रह गई है और जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 24 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। कांग्रेस के खाते में एक भी नहीं और अनेक भी अपना खाता नहीं खोल, तो इनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। अब यहां पर हंसराज हंस की कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर पश्चिमी दिल्ली, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वार्ड है, 43, इन पर ज्यादा जिम्मा था और ये भी कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे बीजेपी को ज्यादा सीटें दिलाने में। कुल 14 सीटें इन्होंने बीजेपी को दिला पाए ये, और 26 आम वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में गए। यहां भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई, कांग्रेस 1 और अदर्स यहां पर 2 जीते। हालांकि ये ज्यादा नजर नहीं आए हैं, जो चेहरे इस वक्त आप दिखा रहे हैं ये चुनाव के प्रचार के दौरान दिखे नहीं है, लेकिन यहाँ गौतम गंभीर यहाँ देख लीजिए, प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कुल वार्ड यहाँ पर 36 आते हैं जबकि यहाँ पर 22 सीटों पर कब्जा कर सकी है बीजेपी, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 11 गई है। हालांकि ये देखिए, ये पहला ऐसा इलाका नजर आ रहा है पूर्वी दिल्ली का जहां पर कांग्रेस भी 3 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन गौतम गंभीर की यहां पर तारीफ ये कि इनके उन्होंने फिर भी बाकी सबसे कंपैरिजन में अच्छा प्रदर्शन किया और यहां पर 22 बीजेपी जीत पा रही है। इस बीच मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली, यहां पर देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, आपको मालूम है नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी कुल वार्ड 25 में से केवल 6 पे जीत दिला पाई, आम आदमी पार्टी 19 पर यहां पर जीत रही है, यानी मीनाक्षी लेखी की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। बिल्कुल, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं जहां बीजेपी के खाते में 103 और आम आदमी पार्टी के खाते में 134, कांग्रेस के खाते में 10 और अन्य के खाते में गई है 3 सीटें।